अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से मेल और फीमेल दोनों के लिए न्यू जॉब्स का ऐलान किया गया है, न्यू भर्तियां आ गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन भर्तियों के बारे में, इसके लिए आप लोगों को क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, आप लोगों की सैलरी कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पर आएँगे, ये न्यू गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि अभी आप लोगों को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ नीचे आप लोगों को इसका जॉब टाइप बताया गया है जो कि रेगुलर है, जॉब लोकेशन बताई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह क्वालिफ़िकेशन बताई गई है जो कि बैचलर, इंटरमीडिएट, LLB और मैट्रिक, मिडल, प्राइमरी आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद एज लिमिट बताई गई है जो कि 18 से 28 ईयर्स आप लोगों को एज लिमिट बताई गई है। डेट इसकी बताई गई है 3 सितंबर 2022, इसकी लास्ट डेट है। सैलरी भी आप लोगों को बताई गई है जो कि 35,000 से आप लोगों की स्टार्ट है और आप लोगों की 75,000 तक सैलरी जाएगी। इसके बाद आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को दूंगी। वैकेंसीज नेम बताए गए हैं जिसमें कुक और डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसी तरह जूनियर असिस्टेंट, नैप का सीनियर असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट, सब असिस्टेंट, ये सारी आप लोगों को जो वैकेंसीज नेम हैं वो भी बताए गए हैं। अब हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है, आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ जो वेबसाइट है वो आप लोगों को मेंशन की गई है, यहाँ आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप लोगों ने अपने जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप लोगों ने यहाँ जाकर अपना डाउनलोड कर लेना है। इस वेबसाइट पर आप लोगों को आपका जो फॉर्म होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां आप लोगों को एड्रेस बताया गया है, PO बॉक्स नंबर 1418 इस्लामाबाद। आप लोगों ने इस एड्रेस पर तकरीबन 3 सितंबर से पहले पहले आप लोगों ने इस पर अपने अप्लाई जो है वो करना है, आपको लास्ट डेट बता दी गई है। इसके बाद आप लोगों का अप्लाई नहीं होगा। नीचे आप लोगों को जो इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आप लोगों को सारी जो पोस्ट हैं वो भी बताई गई हैं, इसमें सब असिस्टेंट है और इसके आगे क्वालिफ़िकेशन बताई गई है जो कि बैचलर है, एज लिमिट बताई गई है 18 से 28 ईयर्स है, और साथ ही आप लोगों को टोटल जो पोस्ट हैं वो भी बताई गई हैं, 2 है, क्वाटा बताया गया है, और इसी तरह आप लोगों को आगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बताई गई है। स्टेनोटाइपिस्ट है, इसकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है और आप लोगों को एज लिमिट बताई गई है 18 से 25, और इसी तरह पोस्ट बताई गई हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें आप लोगों को एज लिमिट बताई गई है और साथ ही पोस्ट जो हैं वो 18 हैं। और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट हैं, इसमें 5 पोस्ट हैं, और सब असिस्टेंट जो है इसमें 19 पोस्ट हैं, और इसी तरह कुक में 1 पोस्ट और नैप कस में भी 21 पोस्ट हैं। और आप लोगों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग और क्वालिफ़िकेशन ये सारी साथ बता दी गई है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको अच्छी तरह एक दफ़ा देख लीजिएगा, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई का सारा जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाकर और अपना जो अप्लाई है वो करना है, जाकर अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस एड्रेस पर अपना जो अप्लाई है वो आप लोगों ने इस एड्रेस पर सेंड करना है, अपने जो सारे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होंगे, अप्लाई वगैरह जो आपने करना है वो आपने इस एड्रेस पर करना है, और साथ आप लोगों को बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो आप अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोगों का जो फॉर्म है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा वेबसाइट पर। यहाँ नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और इसी तरह आप लोगों ने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने यहाँ देनी है, अपने साइन वगैरह करने हैं, क्वालिफ़िकेशन का बताना है, यहाँ आप लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और इसको उसी एड्रेस पर आप लोगों ने भेजना है जो एड्रेस आप लोगों को बताया गया है।